मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग होने जा रहा है श्रीशैलम। तो अभी हम यहाँ से श्रीशैलम जाएंगे, कुछ जाने का मन कर रहा था छोटा राइड। सो श्रीशैलम ऑलमोस्ट 240+ किलोमीटर्स है यहाँ से। तो अभी टाइम हो रहा है 4:10, तो मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, तो लेट्स मीट देम एंड देन विल स्टार्ट द व्लॉग। चलो। तो फ्रेंड्स, हम एक बार गूगल मैप्स ओपन करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ से कितना दूर है श्रीशैलम। मुझे तो पता है 240+ किलोमीटर्स रहेगा। तो आप देख रहे हैं, टू ट्वेंटी एट किलोमीटर्स फोर आवर्स ट्वेंटी सिक्स मिनट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द राइड। पहले जाके फ्रेंड्स को मिलते हैं, फिर वहाँ से हम राइड स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये राइड विदाउट डीबी किलर ही जा रहा हूँ। ऑलरेडी एक बार भी विदाउट डीबी किलर मैंने राइड लिया था 180 किलोमीटर्स यहाँ से। तो ये विदाउट डीबी किलर आज 220 या 230 किलोमीटर्स होने जा रहा है ऑलमोस्ट यहाँ से। तो हाईवे पे मेरा आवाज़ इतना लाउड आएगा कि सबको पहले से ही पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है। बहुत ठंड लग रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी क्यों डिसाइड किया श्रीशैलम जाने का, उसका रीजन यह है कि अभी सर्दी का मौसम है और ये सर्दी के मौसम में श्रीशैलम एकदम क्या, मतलब लोकेशन क्या रहता है यार, ज़बरदस्त लोकेशन रहता है वहाँ पे। जो हिल्स, वहाँ के इतने सारे हिल्स और जो रोड, माइंड ब्लोइंग। जो श्रीशैलम का रोड रहता है ना, वो इतने सारे कर्व्स रहते हैं ना यार, कितना मज़ा आता है वहाँ पे बाइक ड्राइव करने में। और अभी इतनी ठंडी है, तो अभी वहाँ पे मतलब वहाँ का लोकेशन बहुत मस्त रहता होगा, तो इसलिए मैंने सोचा एक छोटा राइड लेके आते हैं। तो ये लो, मैं निकल भी गया उस छोटे राइड के लिए। आई एम सो एक्साइटेड। फ्रेंड्स, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो अभी मुझे जाना है। मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी 2 times कॉल कर चुके हैं मुझे। मैंने बोल रहा था कि आ रहा हूँ 5 मिनट्स में, यहीं पर हूँ, तो मुझे जल्दी निकलना है। सो लेट्स गो। लेट हो गया हूँ मैं। वेयर इज माई बाइक यार, के अंदर का बाइक कैसा निकाल। चाबी, वेयर इज माय बाइक कीस। ये रही।
आपको मिलता हूँ आगे। तो फ्रेंड्स अभी हम एलबी नगर टच हो चुके हैं ऑलमोस्ट। वो भाई नजदीक से आके जाना जरूरी है, पीछे से हॉर्न मार सकते हो ना। तो फ्रेंड्स अभी हम राइड स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट लेट हो चुके हैं, 6:10 हो रहा है। तो अभी पता नहीं ये कौन सा रूट है। तो यहाँ से 2-10 किलोमीटर्स कुछ बता रहा है श्रीशैलम। यार बहुत ठंडी है। और ये मेरे फ्रेंड्स आ गए, ये एक बाइक और ये एक बाइक और ये मेरी। पता नहीं कब तक रीच होंगे वहाँ पे। मस्त मजा आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे रुके थे, बहुत ठंड लग रही है तो थोड़ा गर्म कर लें बॉडी। हाँ देखिए कैसे हो गए ठंडी को, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, प्लास्टिक डाल रहा है उसके अंदर। प्लास्टिक डालने से आग नहीं बढ़ेगी भैया, स्मोक ज़्यादा आएगा। बहुत ठंडी है यार, बहुत ठंडी है, लेकिन राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा हाथ गर्म कर लेंगे। फ्रेंड्स ये है हमारा फर्स्ट टोल गेट अभी क्रॉस हो रहे हैं श्रीशैलम अभी, और यहाँ से 165 किलोमीटर्स दूर है। हाँ बात करने भी नहीं हो रहा है, इतनी ठंड लग रही है। हो ब्रेकफास्ट करते हैं। ओह
ये रही है बाइक। ना 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 सनराइज। हे फ्रेंड्स, तो अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने रुके हैं। ये रही हमारी बाइक्स। तो अभी हम फर्स्ट टोल प्लाजा के पास रुके हैं। तो यहाँ से श्रीशैलम ऑलमोस्ट 165 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ से निकल जाएंगे। फिर नॉन स्टॉप एक 70-80 किलोमीटर्स क्रॉस होके फिर वहाँ पे रुकेंगे, छोटा ब्रेक लेंगे। या ब्रो, तो फ्रेंड्स ये रही हमारी बाइक्स। तो हम यहाँ पे टिफिन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए डिंडी रिजर्वायर। पानी थोड़ा कम है। जब मैं इससे पहले लास्ट ईयर जब श्रीशैलम राइड के लिए आया था जब पानी बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा पानी कम दिख रहा है। बारिश के मौसम में यहाँ से वाटरफॉल्स होती है। ये दिख रहा है आपको जो सामने, ये यहाँ से वो टाइम पे बहुत अच्छा रहता है ये दिखने में। तो ये देखिए मछली पकड़ रहे हैं अंकल। ये दिख रहा है ये मतलब यहाँ तक पानी रहता है एक्चुअली। तो अभी पानी बहुत कम है। ये देखिए अंदर, यहाँ से पानी ज़्यादा होके यहाँ से फ्लो होता है, यहाँ से पूरा वाटरफॉल होता है यहाँ से लेके वहाँ तक। वो टाइम पे यार एकदम बहुत जनों देखने आते हैं जब यहाँ से वाटर फ्लो होता है। तो आगे से
बंदर जी की, बंदर जी बाद यहाँ पे अलाउ नहीं करते फॉरेस्ट के अंदर। तो अगर आपको श्रीशैलम आना है तो आप 9 o'clock से पहले ही आपको फॉरेस्ट क्रॉस करना होगा। और रात के टाइम पे यार ये रोड्स बहुत डेंजर रहते हैं, आपको कुछ लाइट नहीं रहता है यहाँ पे। तो रात के टाइम पे आना आप अवॉइड ही करो ऑलमोस्ट, क्योंकि रोड देख रहे हैं आप कितने डेंजर क्रॉस रहते हैं। तो रात के टाइम पे आना, अगर आप नाइट ड्राइव ज़्यादा करते हो आपको आदत है तो आप नाइट यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। फिर भी अगर आपके ऊपर मतलब क्यों लेना रिस्क, लेकिन ओके आ सकते हैं रात में भी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहली बार रात में ही आया था यहाँ पे, लेकिन मुझे तो एक्सपीरियंस हुआ है कि यार यहाँ के रोड ना एकदम राइडर्स के लिए तो जो मतलब ब्लॉकिंग करते हैं, जिसे राइडिंग पसंद है, जिसे कॉर्नरिंग पसंद है, तो यहाँ पे वो बहुत एंजॉय कर सकते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स देखिए घाट सेक्शन चालू हो चुका है, अब भी मैंने घाट एंटर किया है। तो देखिए यहाँ से ही देखिए व्यू, देखिए कितना मस्त दिख रहा है। मैं वो साइड नहीं जा सकता क्योंकि रॉन्ग रूट हो जाएगा वो। ये तो कुछ नहीं, ये अभी आगे और देखिए, इससे अच्छे अच्छे लोकेशंस देखने को मिलेंगे। बंदर कर्व्स यार, कर्व्स मुझे तो यार श्रीशैलम के कर्व्स यार बहुत पसंद है। ओ बस आपको खड़के बता रहा हूँ पूरा। ये देखिए फ्रेंड्स देखिए ऑलमोस्ट रोड्स देखिए कैसे, आप कितने कर्व्स है, डेडली कर्व्स। लेकिन ऐसे रोड पे बाइक चलाने में यार वो बस देखिए कितना डेंजर कर्व लेके आई है बसों।
तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम आ चुके हैं श्रीशैलम। तो अभी ये जो घाट जो उतर रहे हैं, जैसे ये घाट उतरेंगे हमें नीचे डैम दिखेगा, श्रीशैलम डैम। व्यू देखिए, वाओ, यार व्यू देखिए कितना मस्त दिख रहा है। ये साइड का व्यू देखिए, ऐसे ऐसे वो साइड से, फिर वो साइड से कार ऊपर जा रही है, वो देखिए वहां पे एक और कार। तो अभी हमें ऐसे चढ़ के वो साइड जाना है, श्रीशैलम मंदिर को, शिव भगवान का टेंपल है श्रीशैलम में। तो अभी हम नेक्स्ट वहां पे ही जा रहे हैं। ये देखिए डैम, दिस इज अ डैम, कितना बड़ा है देखिए डैम। ये डैम और ये व्यू, तो ये देखिए श्रीशैलम का ब्रिज, वाह। ये देखिए डैम, व्यू देखिए, ब्रिज के ऊपर रुका हूँ। देखिए भाई,
देखिए अभी, और ये देखिए पानी, फ्रेंड्स ये देखिए नीचे मैं पानी के पास आया हूँ। ये देखिए पानी यहाँ से है, मच्छर दिख रहे हैं आपको पानी के अंदर? देखिए कितने बड़े बड़े मच्छर हैं, मुझे तो दिख रहे हैं। कैमरा के अंदर कैप्चर हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। वो है डैम उधर, तो फ्रेंड्स देखिए हम अभी हम आ गए श्रीशैलम, यह है एंट्रेंस। तो अभी हम टेंपल को जाएंगे।